तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जना। गिरीश घोष के मकान में, जिसको मास्टर महाशय गिरीश मंदिर कहा है, भगवान के आगमन में वो मंदिर बन गया और वहाँ पर जो प्रसंग हो रहा है वह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले लगता है हजरा जो ढोंगी है, खल है, उसका प्रसंग हम क्यों करें। मास्टर महाशय जब इतना विस्तार से उसे लिखा है, उसका गंभीर अर्थ है। जैसे हम देखा हजरा प्रसंग में हमें बहुत सीख मिलता है, वी गेट ग्रेट लेसन्स। पहले तो ये सीख मिला कि संसार में कर्तव्य कर्म कितना दिन करना चाहिए और कर्तव्य कर्म वर्तमान रहते हुए उसको इनकार करके धर्मलाभ नहीं होता है। सब चीज़ के समय होता है, प्रस्तुति लाइन चाहिए होती है, सबके लिए एक उपाय विधान नहीं है, एक उपाय का विधान नहीं है। दूसरा बात है कि धर्म जीवन यापन करके करने के साथ आध्यात्मिक साधन के साथ हमारा आचरण भी अनुरूप होना चाहिए। एक ओर से जप कर रहे हैं, दूसरा ओर से वंचना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये सब हमें संसार में रहते हुए जानना जरूरी है, कैसे हम जीवन यापन करें। तीसरा प्रसंग बात होता है कि ये सब व्यक्तियों के साथ थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन हम पता कैसे लगेगा कौन कैसा है। जैसे हजरा, सब आदमी वहाँ पर सोचते थे वो सज्जन व्यक्ति है, इवन नरेंद्रनाथ जी से विचक्षण व्यक्ति उनको बहुत अच्छा मानते थे। तो हमें जानना जरूरी है हाउ टू आइडेंटिफाई सच पीपल। संसार में तो इनको साथ ही रहना पड़ेगा, वो भी ठाकुर सिखा देते हैं। और चौथा बात है, हैविंग आइडेंटिफाइड सच पीपल, व्हाट शुड बी आवर कॉन्डक्ट टुवर्ड्स देम, उनको किस दृष्टि से देखें। संसार तो इस सब व्यक्ति से भरा हुआ है, तो हाउ टू डील विथ सच पीपल, ये भी ठाकुर सिखाते हैं। तो पहले तो ठाकुर यहाँ पर जो भवनाथ है वो कह रहे हैं, खैर छोड़ दीजिए ये सब बात, अब की जरूरत नहीं है। ठाकुर कहते नहीं, मैं नरेंद्रनाथ के लिए बोल रहा हूँ, वो कहते हैं वो आदमी को पहचानते हैं, बिल्कुल नहीं पहचानते। तो पहचानना कैसे संभव है, पहले तो बताया उसका आचरण से। तो हजरा का जो आचरण है वो धर्म जीवन का परिपंथी है। गाड़ी लेकर वो सवार होकर आए थे और उसको किराया नहीं दिया, भाड़े का गाड़ी है, गलत है। फिर घमंडी है, ढोंगी है, ये सब धर्माचरण नहीं है, इससे सावधान हो जाना चाहिए, ये व्यक्ति सही नहीं है। दूसरा ठाकुर कहते हैं शारीरिक बनावटी से भी पता चल जाता है
कौन व्यक्ति कैसा है, ये एक अभिनव बात बोल रहे हैं। तो जो नाटा होता है बेटे डोब काटा काटा गा, ये भलो लक्षण नय। जो नाटा कद है और जो शरीर में जो गड्ढा है बीच बीच में, ये सब अच्छा लक्षण नहीं है। ठाकुर कहते हैं इन लोग को बहुत देर से आध्यात्मिक ज्ञान होता है। दूसरा जगह में शरद महाराज ने लिखा है, शरदानंद जी, तो ठाकुर कहाँ से ये सब बात बोलते थे हम लोग को पता नहीं। हम लोग सोचते थे कि ये कोई किताब होगा जहाँ से पढ़ के ठाकुर ये सब बोल रहे हैं, या कहे तो दिखाई नहीं पड़ते ये सब बात। तो ये कथामृत जो है, वचनामृत, ये ज्ञान का सागर है, ये पढ़ने से सब कुछ हमें मिल जाता है। तो शारीरिक लक्षण ठाकुर कहते बनावटी भी लक्षणीय है। तो ठाकुर अगर कोई भक्त आते थे उनको हाथ ओजन करते थे, वो देखी तो हाथ था, उनको कहना है अगर हाथ हल्का होगा तो अच्छा व्यक्ति है, हाथ भारी होगा तो खल होगा, ढोंगी होगा, ठीक नहीं है। फिर कहते थे जो टेढ़ापन होने से, और भी है नाना प्रकार, टेढ़ापन होने से, टेढ़ा होने से, स्क्विन टाइड नॉट ए गुड लक्षण, विराल चक्षु, टेढ़ा चक्षु इत्यादि। तभी देखिए शरद महाराज का, स्वामी शरदानंद जी का एक आई में, एक आंखों में टेढ़ापन था। ठाकुर ने बताया यद्यपि तेरा टेढ़ापन है तथापि उसे तुम्हारा हानि नहीं होगा, ठाकुर ने प्रार्थना किया था वो शरद महाराज के लिए, तब भी ये ठाकुर बताया। तो एक है शारीरिक लक्षण से, दूसरा है आचरण से। तो अभी प्रश्न होता है कि इन लोग से हम कैसे डील करें, हमारा दृष्टि कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ठाकुर साफ साफ बोल दे रहे हैं, तुम जानते हो मैं हजरा और ये सब आदमी को कौन दृष्टि से देखता हूँ, बोल दे रहे हैं। मैं देखता हूँ सभी नारायण है, लेकिन साधु रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण, खोल रूपी नारायण, नारायण तो सब कुछ है लेकिन नारायण का विभिन्न प्रकाश है, अच्छा बुरा। नारायण का सब प्रकाश एक प्रकार नहीं होता है। तो कहा जाता है सर्वभूत में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर सर्वभूताना रिद्धेश्वर जिन तिष्ठति। तो अगर सर्वभूत में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर का गलत प्रकाश कैसे होता है, ये पहला प्रश्न हमारे मन में आता है। हाउ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन जो इन द रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस, रॉन्ग थिंग्स, गलत जगह से, असत, अशुद्ध, उसमें कैसे भगवान का प्रकाश हो रहा है। इसका पहला उत्तर है ये इनके लीला है। अगर नाना प्रकार का प्रकाश नहीं होगा तो वैचित्र नहीं होगा, एक ही रंग से कोई चित्र नहीं बन सकता है। असत है इसलिए सत के इतना इज्जत है। तो अगर सभी भगवान का प्रकाश है तो असत में भी भगवान का प्रकाश होना चाहिए, जो असत रूप से भी आते हैं।
लीला वैचित्र के लिए। द्वितीय है कि सत असत से वो लिप्त नहीं होता है, उनका प्रकाश सबके ऊपर समान है। ये बात हम शास्त्रों में देखते हैं, कठोपनिषद में 2:2:11 जहाँ पर द्वितीय अध्याय द्वितीय अनुभाग में 11 श्लोक में कहा गया है। तो सूर्य का बाद में सूर्य का एक उदाहरण दिया है। जो सूर्य सबके भीतर दीप्तिमान है, तो सूर्य सर्वभूतस्य चक्षु है, वो आंखें है, लेकिन न लिप्यते चाक्षुषोई बाह्य दोषोई। सूर्यो जतास्तंग सर्वभूतात्म चक्षुः, सर्वभूत में वो चक्षु रूप में विद्यमान है। चक्षु कैसे? कारण सूर्यो का दीप्ति है, तभी ना हम देख पाते हैं। तो हमारे चक्षु तभी क्रियाशील होगा जब सूर्य का रोशनी आएगा, कोई भी रोशनी चाहिए। तो सर्वभूत का जो चक्षु है, देखने का जो सामर्थ्य है, वो जी सूर्य है, लेकिन न लिप्यते चाक्षुषोई बाह्य दोषी। जो चक्षु संपर्क किया जो दोष है, उसे सूर्य लिप्त नहीं होता है। एक तथास्तम सर्वभूतात्मरात्मा न लिप्यते, वो जो विभिन्न जो एक ही आत्मा है, वो सबके भीतर ही एक ही आत्मा विराजमान है। तो एक तथास्तम सर्वभूतात्मरात्मा न लिप्यते लोक दोषोई बाही, उनके जो सबका भीतर में लोकांतरस्य दोष है, जो सबके भीतर में जो दोष है, वो दोष में वो लिप्त नहीं होता है। कैसे? सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, वो गंगा जल को भी प्रकाश दे रहे हैं और नर्मदा का पानी को भी, गाटर का पानी को भी प्रकाश देते हैं, तो दो ही दिखाई पड़ रहा है, उसमें सूर्य का कोई अंतर नहीं है। तो सबके भीतर एक ही सूर्य का प्रकाश विद्यमान है, ऐसे ही सबके भीतर एक ही आत्मा विराजमान है। तो एक ही आत्मा का सबके भीतर विराजमान है, तो उसका जो दोष गुण है, हेय नहीं है, उसमें वो अफेक्टेड नहीं है, लिप्त नहीं है। जैसे बहुमूल्य रत्न एक हीरक, अगर वो कोई आवर्जना स्तूप में भी पड़े रहें, कोई गड्ढा में भी पड़े रहें, गंदा चीज में भी पड़े रहें, वो हीरक जैसा रहेगा, उसमें फर्क नहीं होगा। और दूसरे ओर से एक ही सूर्य के किरण विभिन्न माध्यम से हमारे पास आते हैं, नाना प्रकार का वर्ण होता है, सूर्य वर्णहीन है, लेकिन जब विभिन्न प्रकार माध्यम से आता है, हरा लाल नील ऐसे वर्ण दिखाई पड़ता है, सूर्य में इससे अफेक्टेड नहीं है, वर्णहीन है। तो ऐसे ही आत्मा सबके भीतर रहते हुए भी वो निर्लिप्त है।
तो ठाकुर कहते हैं कि मैं सबके भीतर वही आत्मा जो विराजमान है वैसे रूप से देखता हूँ। इसमें बहुत समझने का बात है, बहुत अच्छा प्रसंग मास्टर महर्षि ने लिखा है। ये ठाकुर का दृष्टि है। दूसरा जगह मैं बताया, आपो नारायणः, सब जल में नारायण है, जल नपी नारायण। लेकिन कोई जल हम पी सकते हैं, कई जल में हम बर्तन धो सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, और कोई जल छू भी नहीं सकते हैं, दूर से छोड़ देना पड़ेगा। वैसे ही सर्व जीवों में ईश्वर विद्यमान है। तो कहते हैं शेर से गला नहीं लगाना चाहिए, उसके भीतर भी भगवान है। अर्थात सबके भीतर एक ही वर्तमान, एक ही भगवान विद्यमान है। यह देखते हुए हमारे आचरण भिन्न भिन्न होना चाहिए, ये खास बात है। तभी प्रश्न होता है कि जो हम उत्थापन किया था कि हाउ टू टैकल विद दिस पीपल, हमारा आचरण कैसे होगा। इसमें दो विभाजन है। एक है जब साधक जीवन होगा, साधन जीवन होगा, तब अगर हम ये प्रकाश में अच्छा बुरा दिखते रहें तो हमारा मन कलुषित हो जाएगा। तो साधन जीवन में हमें समझना चाहिए सबके भीतर भगवान है, और जहाँ पर अच्छा गुणावली है उसको ग्रहण करना, उसको देखना, और जहाँ पर मंद गुलामी है उसको उपेक्षा करना। इग्नोर एंड अवॉइड वेर एवर देर इज रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। क्योंकि साधन जीवन है, मन तब तैयार नहीं हुआ है। मन में किसी को अगर हम गलत चीज़ देखें, मन में गलती आ जाएगा। तो यू शुड नॉट अलाउ द माइंड टू बी कॉन्टेमिनेटेड विद द पोल्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसीलिए कहा जाता है सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि। सब समय हम अच्छा चीज़ देखें, पवित्र चीज़ देखें, तब मन पवित्र रहेगा। और जो दुनिया में तो है अपवित्र चीज़ है, अशुद्ध चीज़ है, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जब साधन जीवन के बाद मन पक्का हो जाएगा, मन जब शुद्ध हो जाएगा, अभी मन शुद्ध नहीं है, जब मन शुद्ध हो जाएगा तब वह मन से अगर हम दुनिया को देखें तब अच्छा बुरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अच्छा बुरा के पीछे जो पवित्र आत्मा है उसको भी दिखाई पड़ेगा। तब जो बहिरावरण है वो हमारा मन को कलुषित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबके भीतर इन एसेंस जो पवित्र आत्मा है उसको दिखाई पड़ रहा है, प्रेजेंटली नॉट। तब हम सबके साथ गला मिला सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। तब भी ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि उसमें हमारे आचरण का भेद होना चाहिए। जैसे गंदा पानी से हम दूर रहते हैं, दूर से प्रणाम करेंगे, जो शेर है शेर से दूर से प्रणाम करना है, नज़दीक में नहीं। वैसे ही जो ढोंगी है, खल है, कपट है, उनसे भी दूर रहना चाहिए। नहीं तो ठाकुर तो भगवान है, और हजरा कितने भी छल कपट करे लेकिन ठाकुर उसको साथ में रखा नहीं, उसको चले जाना पड़ा। उसको अच्छा साथ सहवास नहीं किया, उसका अवसर दिया, मौका दिया, वार्निंग दिया, तुम सुधर जाओ, तो नहीं सुधरा।
तो यही है हमारे तो नरेंद्र नाथ के लिए ऐसी शिक्षा है, जो साधारण भक्त है उसके लिए शिक्षा नहीं, लेकिन सबको जानना जरूरी है कि ये व्यक्ति कैसा है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन, और उसके बाद जो अच्छा व्यक्ति नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन दृष्टि में कलुषता नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए ये भी भगवान है, भगवान का ही प्रकाश मंद प्रकाश है। और जब हम साधन जीवन में है तब उसको दरकिनार करना चाहिए, आज जब सिद्ध अवस्था है तब उसका कलुषता हमें मन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तभी जो आचरण हमारा आचरण में भेद होना चाहिए, दृष्टि भी अलग हो जाएगा लेकिन आचरण भी ऐसी होना चाहिए ताकि हम अच्छा के साथ रहें और जो बुरा है उससे दूर रहें। अब इस प्रसंग के बाद गिरीश एक दूसरा प्रसंग को शुरुआत किया, कहते महाराज एकांगी प्रेम किसको कहलाता है। राधा कृष्ण के प्रेम का बात हुआ था, भजन हुआ था, अभी गिरीश मानविक प्रश्न कर रहे हैं एकांगी प्रेम किसको कहलाता है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार की अवसर है, सुबह 10:30 बजे माँ की बातें पर प्रवचन होगा शारदा संघ का मंदिर में, और शाम को आज नारद भक्ति चित्र नहीं होगा, कारण आज देवी नाम संकीर्तन है अमावस्या तिथि के अनुसार। आप लोग सब स्वागत है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।